श्री अरविंद मीरा मो सुस्मिता महापात्र आज पाठ करने को जाऊँ सावित्री महाकाव्य प्रथम खंड तृतीय पर्व चतुर्थ सर्ग दिव्य दर्शन और वर प्राप्ति पृष्ठ नंबर 307। एक आश्चर्यजनक विरोधाभास हेउछि तार प्रकृतिर धारा वैपरीत्य राजीर भीषण प्रहेलिका ताकू जीवन क्षेत्र स्वरूप मिलिछि। से स्वतंत्रता चाहे किंतु बंधनर प्रयोजनीयता अनुभव करे। से आलोकर स्पर्श लाभ करिबा सकाशे अंधकारर आवश्यकता अनुभव करे एवं स्वल्पमात्र आनंद अनुभव करिबा लागि दुख ओ शोक आवश्यक करे। महत्तर जीवन प्राप्त हेबा सकाशे मृत्यु चाहे। सकल दिगकु से देखे एवं सकल आह्वान प्रति कर्णपात करे। से कौनसी निश्चित आलोक पाए नहीं जद्वारा तार पथरे सतत अग्रसर हो पारिबो। तार जीवन एक अंधपुटुली एवं एक लुचकाली खेल। से निजकु खोजे एवं निज ठारु दूरेई जाए। जदिबा से निजकु पाए तथापि ताहाठारु भिन्न अन्य केही जने बोली भावे। सतत से गढ़ी चले किंतु कौनसी स्थिर भित्ति पाए नहीं। से सर्वदा यात्रा करि चलि थाए किंतु कौनसी गंतव्य स्थल रे पहुंची पारे नहीं। से जगत को मार्गदर्शन कराई पारे किंतु निज को परिचालित करि पारे नहीं। से तार आत्मा को रक्षा करि पारे किंतु तार निज जीवन को रक्षा करि पारे नहीं। तार आत्मा जे आलोक आनी थांती तार मन ताहा हराई बसे। जहा किछि से शिक्षा करि थाए ताहा शीघ्र संदेह रे परिणत हुए। सूर्य को से तार चिंतार छाया दृश्य बोली भावे। तापर सबकि पुणी थे ता पक्षे छाया सदृश मन हुए एवं सत्य बोली आउ किछि रहे नाही। से कौन करुछि न जानी किंबा तार आभिमुख्य कौन ताहा न जानी अज्ञानता बसरे परम सत्यर लक्षणावलीर मिथ्या चित्रण करे। से निज भूलभ्रांति द्वारा ध्रुव सत्यर प्रतिबंध सृष्टि करे। प्रज्ञा तार ज्योतिर्मय आवरण मध्यरे रही ताकू आकर्षण करे किंतु पछकु चाहि से कौनसी काले सत्य ज्ञानर मुख दर्शन करि पारे नाही। एक विशाल अज्ञानता तार ऐतिहकु घेरी रहिछि। एही जड़ जगतर मुख स्वरूप मध्यरे से विश्वर रहस्य उद्घाटन करिबा निमित्त नियोजित होइछि किंतु सेथि मध्यरे प्रवेश करिबा लागि तार प्रवेश अनुमति पत्र तथा व्यक्तित्व मिथ्या प्रमाणित हुए एवं परिणाम रे जहा तार वास्तव स्वरूप नुहे से ताहा हेबा लागि बाध्य हुए। जे अचेतना उपरे से शासन विस्तार करिबा लागि अभिप्रेत होइ आसिछि से तार ही आज्ञावह होइ उठे एवं तार आत्मांक सिद्धि सकाशे जड़र गह्वर रे निमज्जित हुए। नमस्ते।